हेलो गाइस, वेलकम टू रोटेशन प्लस। सो गाइस, आज का वीडियो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए है। उन्होंने बोला था, बहुत बच्चों ने बोला है कि बुक्स रिकमेंड करने जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं बोला उनके लिए भी वीडियो है। गाइस, मायसेल्फ सौरभ शर्मा, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता। चलिए, और ये हमारे साथ है आज सुमित शाह। चलिए बोलिए, थोड़ा सा आप भी बोलिए। माय सेल्फ सुमित कुमार शाह, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो गाइस, देखिए यार, हम आपके हम बोल रहे हैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। वी आर नॉट योर इमीडिएट सीनियर्स, हम आपके सीनियर के सीनियर है, ठीक है। सो गाइस, हमको तो पता है कि हमने अपना एमबीबीएस दिया है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का एग्जाम, और उसके बाद जो जूनियर्स को देते हुए देखा है, तो हमने भी ऑब्जर्व किया है। तो आज हम वही बुक्स रिकमेंड करेंगे जो हमारे सीनियर्स ने, जो हमारे टीचर्स ने हमको रिकमेंड किया था, और जो हमने देखा है कि नहीं, हमको ये बुक नहीं करना चाहिए था, जो हमने गलतियाँ की हैं उन बुक को, दूसरे बुक को देख के, तो हम आज सही बुक बता पाएंगे। इसीलिए हम दो जन बैठे हैं, और सिर्फ हम यहाँ दो जन नहीं बैठे हैं, हमारे साथ बहुत सारे सीनियर और टीचर्स का गाइडेंस है जो यहाँ पे हम लेके आए हैं। क्या सुमित, अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, एकदम बुक्स पे। तो क्या क्या सब्जेक्ट से सुमित बताएंगे? तो जैसा कि अभी सबके फर्स्ट ईयर का सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से, तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहला एनाटॉमी, दूसरा फिजियोलॉजी एंड तीसरा बायोकेमिस्ट्री। तो 3 सब्जेक्ट ये आपका जस्ट बेस है। मेडिकल साइंस, जो आप मेडिकल साइंस में आप घुस रहे हैं, ये आपका मेडिकल साइंस में स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग का जो बेस होता है, हम लोग को जैसे बोलते हैं बेस, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ये आपका बेस है। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं रहा, तो आगे के आने वाले जो ईयर्स में आप जो पढ़ेंगे वो ठीक से आपको ना समझ में आएगा, नहीं आप पेशेंट के साथ ठीक से अपना रिलेशनशिप बना पाएंगे, ना पेशेंट का कंडीशन आप समझ पाएंगे। तो आपको अपना आगे अच्छा के लिए आपको फर्स्ट ईयर को मोस्टली बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। ये तो बात है ही, अगर फर्स्ट ईयर ना बेसिकली प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, ध्यान देना पड़ेगा। और क्या हुआ ना, इस बार से एमसीआई का करिकुलम आपने देखा है कि चेंज हुआ है, आपको एथिक्स और कम्युनिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा, है ना क्या? तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 34 आवर्स का एक स्पेशल क्लास दिया जाएगा, जिसमें आपको पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, डॉक्टर का क्या मतलब होता है, डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वही सब। डॉक्टर्स लोग का क्या मैनर्स होना चाहिए अपने कलीग्स के बीच में, और अपने पेशेंट के साथ क्या, किस मैनर के साथ आपको सबके साथ पेश आना होता है, आपको सब डिसिप्लिन आपको सिखाया जाएगा, किस तरह से आपको सबके सामने अपने आपको प्रेजेंट करना है। तो ये तो बात हो गई, हमने सब्जेक्ट क्या क्या जाना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। मैं एकदम बता रहा हूँ यार, देखो सुनो, सबकी वीडियोस देखी होंगी, ये वीडियोस भी देख लो, पता चल जाएगा एटलीस्ट तुमको आइडिया, क्योंकि यार यहाँ पे हम लोग एकदम फ्रेश बैठे हैं कि जस्ट मतलब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर हुआ था, सेकेंड ईयर में, फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम बताते एकदम बुक्स, एकदम रिकमेंडेड, ठीक है। एक होता है मेन बुक और एक होता है रेफरेंस बुक, ठीक है। एक बात बताता हूँ, मेन बुक हमेशा खरीदना, ठीक है, रेफरेंस बुक नहीं खरीदो तो भी चलेगा। अब बारी आती है, व्हाट इज रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक बोल के क्या होता है मतलब? रेफरेंस बुक का मतलब जैसे आप मेन बुक है आपका, जो आपका मेन बुक है जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, मेन बुक आपको जो आपको बेसिक नॉलेज देगा मेन बुक। रेफरेंस बुक आपको लिए जस्ट आपको एक एड ऑन नॉलेज, आपको मतलब कि आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है। चाहे जैसे मोस्टली हम लोग जब एग्जाम देंगे तब मेडिकल में 11-12 जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा पूछ देगा व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज ए, व्हाट इज वो, नहीं। यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है घुमाकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 40-year-old मेल प्रेजेंट विद डैश डैश डैश, व्हाट इज योर प्रोबेबल प्रेजेंट विद डैश डैश, विच स्ट्रक्चर इज, विच स्ट्रक्चर इज दैट, आपको मत घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जस्ट वो आपको क्लिनिकल नॉलेज चाहिए आपको उसके लिए, तो उस क्लिनिकल नॉलेज के लिए मोस्टली आपको रेफरेंस बुक का एक हेल्प लेना जरूरी है। अब रेफरेंस बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो क्लिनिकल नॉलेज अच्छी तरह से आपको मिलेगा। बस वही है ना, रेफरेंस बुक इसीलिए चाहिए रहती है। और क्या, आप अगर मेन बुक भी पढ़ो तो ठीक है चलेगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है रेफरेंस बुक आर लेंदी इनफ कि आप फिनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि पेज कम है, बट भाई वो एक पेज में ना बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस, आई हैव स्टडीड गाइडन का कुछ पार्ट मैंने पढ़ा था, अभी भी मेरे घर में गाइडन और हार्पर पढ़े हैं। तो यार वो बात नहीं है, मैं इसीलिए समझाना चाहता हूँ ना कि क्या चीज़ खरीदना क्या नहीं खरीदना, वही चीज़ के लिए आज हम बैठे। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते एकदम एनाटॉमी से, एनाटॉमी का सुमित एक्सप्लेन करेगा आपको मेन बुक्स क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या सब्जेक्ट में डिवाइडेड है एनाटॉमी के अंदर के, चलिए बताते हैं, सुमित ही बताता है। तो एनाटॉमी जैसे आपको लग रहा है एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी, बस ये एनाटॉमी, लेकिन अंदर से बहुत सारे सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आपको एनाटॉमी का डिवीजन आपको जानना होगा।
एनाटॉमी का डिवीजन है, पहले जनरल एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी आपका ग्रॉस एनाटॉमी है, ग्रॉस एनाटॉमी का फर्दर डिवीजन है वो मैं आगे बताऊंगा, फिर आपका एम्ब्रायोलॉजी जो एनाटॉमी में आपको जानना है, देन आपका आता है हिस्टोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जनरल एनाटॉमी के बारे में, हम लोग बात करते हैं जनरल एनाटॉमी में जस्ट आपको जनरल बातें बताई जाएंगी, जैसे व्हाट इज बोन, व्हाट इज मसल, हाउ मेनी बोन्स, जस्ट आपको ये सब नर्वस टिश्यू ये सब के बारे में बताया जाएगा और कुछ नहीं, जनरल बातें बताई जाएंगी। और ग्रॉस आपका जो ग्रॉस पार्ट है वो आपको फर्दर जो बुक्स हमारे आती है वो फर्दर डिवाइडेड है, जैसे आपका बुक्स जितने भी आएंगे सबके पार्ट्स रहते हैं जो मेन बुक में आते हैं, जैसे एक पार्ट्स में आपका रहेगा अपर लिम एंड थोरैक्स, एक में रहेगा आपका लोअर लिम एब्डोमेन एंड पेल्विस, एक में आपका रहेगा एक आपका रहेगा हार्ट एंड नेक सॉरी हेड एंड नेक आएगा, कोई बात नहीं, और एक में आएगा न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो एनाटॉमी आएगा। ओके तो अब हम देखो यार बुक की बात करते हैं, एकदम सुमित ही बात बताएगा उसमें, अभी आपने इसने क्या बोला एम्ब्रायोलॉजी और हिस्टोलॉजी, ठीक है दो और, हिस्टोलॉजी मतलब ये आप सेल की स्टडी करोगे माइक्रोस्कोप के अंडर, और एम्ब्रायोलॉजी जो ग्रोइंग फीटस है उसके बारे में। तो सुमित अब बुक बताते हैं, मेन बुक आप लोग जॉट डाउन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई भी प्रॉब्लम हो यार @medicalman97@MrMedico इंस्टाग्राम आईडी साइड में फ्लैश कर रही होगी यार, फॉलो कर लेना झट से, प्री क्लिनिकल क्लिनिकल केसेस कुछ भी है आप लोग उधर पोस्ट कर देते हैं हम लोग, और आप भी अपने नीट एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हो, अपने छोटे भाई बहनों को, अगर भाई बहन नहीं बोलना तो कोई बात नहीं है, ठीक है बहन नहीं बोलना तो कोई बात नहीं है, अरे हेल्प तो आप भी कर सकते हो ना, हमारे साथ जुड़ो, हमसे कॉन्टैक्ट में रहो, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हमारा जो मेडिकोज का एक सर्कल बड़ा बने, एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे को जानते हो अलग अलग जगह से, ठीक है ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको जो ग्रॉस जनरल एनाटॉमी के मेन बुक सुमित ही बता रहा है, जल्दी बता दे। तो ग्रॉस जेन सबसे पहले आता है जनरल एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी में आप किसी भी राइटर का बुक पढ़ सकते हैं, जैसे आपका बी डी चौरसिया का बुक ले सकते हैं, या ए के दत्ता का बुक ले सकते हैं, या विश्राम सिंह का बुक ले सकते हैं, तो आप ये तीनों में से किसी भी राइटर का आप जनरल एनाटॉमी का बुक पढ़ सकते हैं। या अच्छा ग्रॉस एनाटॉमी में आएंगे तो ग्रॉस एनाटॉमी भी बस वही बी डी चौरसिया, ए के दत्ता, विश्राम सिंह, तो जैसे मैं पढ़ा था बी डी चौरसिया, मेरे दोस्त भी थे वो भी, हाँ बीडीसी, देखिए क्या है ना बीडीसी इज वेरी कॉमन, ठीक है सब बोलते हैं बाइबल ऑफ एनाटॉमी, ठीक है क्योंकि यार ये बीडीसी बहुत इजी है, लूसिड लैंग्वेज में लिखा गया है, और एग्जाम को ओरिएंट, एग्जाम कौन सा एग्जाम, यूनिवर्सिटी के एग्जाम को ओरिएंट करके लिखा गया है, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है ना कि किस फॉर्मेट में लिखना है, क्या लिखना है, उसमें सब एकदम वैसे ही ओरिएंटेशन लिखा रहता है ना। उसके बाद अब ये एम्ब्रायोलॉजी और हिस्टो का भी बता देता है। तो एम्ब्रायोलॉजी का देखिए दो दो राइटर का बुक चलता है, एक फॉरेन राइटर है और एक इंडियन राइटर है, फॉरेन राइटर में लैंगमैन्स एम्ब्रायोलॉजी और इंडियन राइटर में इंदरबीर सिंह हाँ, का आई बी सिंह शॉर्ट हम लोग बोलते हैं। तो लैंगमैन्स और आई बी सिंह दोनों ही अच्छे हैं, लैंगमैन्स को डोमिनेट करके यहाँ पर रखा गया, सबको लैंगमैन्स को ज्यादा अच्छा समझते हैं आई बी सिंह से, तो आप लैंगमैन से आई बी सिंह दोनों में से किसी एक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हिस्टोलॉजी का जो बात है, तो हिस्टोलॉजी देखिए हमने भी कोई बुक खरीदा नहीं था, हिस्टोलॉजी आपका प्रैक्टिकल्स होगा, आपको क्लास में ही करवा दिया जाएगा, प्रैक्टिकल्स आपको क्लास में ही बता दिया जाएगा, हिस्टोलॉजी मेनली प्रैक्टिकल्स में आता है, और आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हिस्टोलॉजी से आ सकते हैं, तो आप अगर चाहे तो आप हिस्टोलॉजी के लिए बुक खरीद सकते हैं, और आपको लेना है तो राइटर का नाम है आई बी सिंह का बुक ले सकते हैं। और ये था आपका मेन जो बुक्स था एनाटॉमी का वो मैं बता दिया आपको, अब जो रेफरेंस बुक आपको एनाटॉमी में जो आपको एड ऑन नॉलेज देगा वो बताएंगे मेरे रेफरेंस सौरभ सर। ओके देखिए जो रेफरेंस बुक है ना जो आपको एड ऑन नॉलेज के लिए चाहिए, आपको थोड़ा और वास्ट जाना है, मैं देखिए एक होता है ग्रेज एनाटॉमी, नाम तो सबने सुना होगा, अभी भी सुन लिया होगा, ग्रेज एनाटॉमी में दो पार्ट आते हैं हमेशा याद रखना, आपको जो कोई भी लीफलेट दिया जाएगा उसमें लिखा रहेगा ग्रेज एनाटॉमी, एक मेन एडिशन उसका दाम 4000 से ज्यादा है, ठीक है तो यार उतना मोटा, और इतना मोटा है एटलीस्ट, ठीक है इतना मोटा मैं दिखा रहा हूँ, इतना तो समझ लो यार उसके अंदर सभी कुछ, लेकिन इतना मोटा है, ठीक है तो यार वो तुम पढ़ के एक साल में तो फिनिश नहीं कर सकते, और एक एक पेज भी ऑलमोस्ट इतना बड़ा है, ठीक है खत्म नहीं हो सकता है ना, एकदम लैंग्वेज भी उसका थोड़ा सा टफ है, जैसे नॉर्मल बेसिक जिसका अगर एनाटॉमी का बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आपको पेज पढ़ने में, आपको पेज पढ़ने में टाइम भी जाएगा, प्लस आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। वो क्या है ना, वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज जो हमारे टीचर है ना वो पढ़ते हैं वो सब, जिससे कि वो क्लियर कर सके अपना और हमारे सामने आके और प्रेजेंट कर सके। तो यार तो अब आप बोलोगे भैया तब तो क्या खरीदूं, ग्रेस एनाटॉमी का एक स्टूडेंट एडिशन आता है, और एक सबसे अच्छा बुक मेरे को लगा यार स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी,
क्या स्नेल्स तो बहुत स्नेल सही तो है यार, एकदम स्नेल तो एकदम मस्त है, मतलब बोलते हैं ना ये सही बुक है कॉन्साइज गेम एकदम एकदम लिखा गया क्लिनिक से जो उसका जोड़ा गया है ना यार, क्लिनिकल क्वेश्चन भी दिया गया है क्लिनिकल, तो आप यार अगर आपका यूनिवर्सिटी फॉलो करता है क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको अच्छा फायदा होगा कि अगर आप एक मेन बुक और एक रेफरेंस बुक लेके हमेशा पढ़ना। अब बारी आती है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, बहुत बच्चे हैं कि रेफरेंस बुक नहीं खरीद पाते हैं, या उनका थोड़ा कट ऑफ है कि यार इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे, ओके तो वो क्या करें यार, सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है आप रेफरेंस बुक की पीडीएफ रख लें और मेन बुक्स खरीद लें। मेन बुक्स पढ़ते रहे, अब मान लो आपको कोई कुछ पढ़ना है तो रेफरेंस बुक की पीडीएफ से देख लिया, ठीक है, क्योंकि ना देखो पीडीएफ में आपको लेटेस्ट एडिशन फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला फ्री व्री का, इधर इधर नहीं बताऊंगा, आप छुपके से आना पूछ लेना, ठीक है, उधर साइड में पूछ सकते हो यार, इधर कैसे बता दें, ठीक है, इधर बता देंगे बेवजह कॉपीराइट वो सब कुछ लग जाएगा, ठीक है, इसीलिए आइए अब हम बात करते हैं क्या कौन सा बचा, फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का मेन बुक सुमित बताता है, चलिए सुमित फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट जो थोड़ा सा इजी है, बट हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट ईयर में हमारी यही गलती होती है कि एनाटॉमी को हम लोग हार्ड समझते हैं, और एनाटॉमी पढ़ने का चक्कर में हम लोग पूरा ये फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री दोनों को छोड़ के रखते हैं। इस कारण से हमें एग्जाम के टाइम जब बहुत सारा फिजियो पढ़ने को मिलता है तो फिजियो बहुत हार्ड लगता है, बट रियलिटी ये है कि फिजियो तीनों सब्जेक्ट में सबसे ईजी सब्जेक्ट है फिजियो, क्योंकि फिजियो पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग में, अगर आप एक बार उसको समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो मैं जो मेन बुक फिजियो के लिए बात कर रहा हूँ वो देखिए, मैं जैसे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो जितने भी वेस्ट बंगाल के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल में सिर्फ दो राइटर के बुक ज्यादातर फेमस है, एक है आपका देवाशीष प्रमाणी और एक महापात्र अनिल बरन सिन्हा महापात्र, दोनों बुक्स अच्छे हैं। देवाशीष प्रमाणिक का है जो बहुत अच्छे तरीका से लूसिड लैंग्वेज में, बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखा जैसे सबको समझ में आएगा। महापात्र में क्या, महापात्र में भी बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया, बट महापात्र के एक और क्वालिटी क्या कि महापात्र में डायग्राम्स अच्छे से दिए गए और महापात्र में जो हर टॉपिक्स को वो फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने का कोशिश बहुत अच्छा तरीका से किया गया है। और अगर आपको और दूसरे राइटर्स के नाम जानने तो एक आपका ए के जैन भी, मैं एक ही जन तो पढ़ा नहीं बट मैंने सुना है कि एक ही जन भी काफी अच्छा बुक है, तो आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। और रेफरेंस बुक के बारे में मेरे फ्रेंड बताएंगे। ओके, तो रेफरेंस देखिए सेम कहानी है आपके जैसे ही, क्या बोलते हैं ना हम, बोलते हैं कि एनाटॉमी में जो बताया वैसा ही कोरिलेशन है, इधर जो दो बुक बता रहा हूँ, और देखिए आप ना इधर अगर आप सीरियस हो ना, मैं बता दूं आप अगर गाइटन खत्म कर सकते हो तो गाइटन खत्म कर डालो, ठीक है, बट खत्म नहीं हो सकता मैं जानता हूँ, क्योंकि गाइटन के अंदर भी लैंग्वेज में जो ट्विस्ट है ना वो आप अगर उससे पहले सिंपल बुक नहीं पढ़ोगे ना समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो एक पेज को समझने के लिए ना उसमें एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए कम से कम भी 40 मिनट्स आपको डिवोट करने पड़ेंगे, ठीक है। आई हैड गाइटन, मतलब मेरे पास है गाइटन, ठीक है गाइटन। अब एक और बुक आता है गैनोंग, तो गैनोंग इज द बेस्ट रिव्यू बुक, ठीक है, रिव्यू के लिए गैनोंग इज द बेस्ट, उसका नाम ही है रिव्यू बुक और गाइटन का नाम ही है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, ठीक है, बाय गाइटन एंड हॉल, ठीक है। तो गैनोंग क्यों बोल रहे हैं, गैनोंग में शॉर्ट वे में पीजी रिलेटेड, बच्चे को क्या चुल चढ़ती है ना कि अरे 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 स्टार्टिंग में हमको भी लगा था कि पीजी क्रैक कर देंगे, एकदम पीजी लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है, उसका प्रिपरेशन भी होता है, ठीक है, लेकिन आप अगर बेसिक्स पढ़ते जाओगे ना अपने आप हो जाएगा, समझे, कोई चिंता की बात नहीं। हम देखते हैं हमारा सेकेंड ईयर में जो आता है रिलेशन आता है, ऑब्वियसली फिजियोलॉजी से रिलेशन आता है, एनाटॉमी से आता है, ठीक है, बायोकेम का भी आता है, कोर फार्मा में तो बायोकेम पूरा घुसता है। हम लोग फार्माकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है सेकंड ईयर में, वो आपका बोले तो फिजियोलॉजी पूरा पूरी फिजियो पे डिपेंडेंट है, अगर किसी का फिजियो अच्छा नहीं रहा फर्स्ट ईयर में तो मैं बोल रहा हूँ पैथो भी तो गया उसका, पैथो और फार्मा वो तो मतलब बहुत दिक्कत होगा। हाँ, अब पैथो में एनाटॉमी का आपका यूज हो रहा है, हाँ, फिर आपका फार्मा में बायोकेमिस्ट्री भी यूज हो रहा है, हाँ, तो जिस हिसाब से मतलब फिर हम लोग FMT सब्जेक्ट है फॉरेंसिक मेडिसिन, तो जब वहां पर आपको बोन्स के बारे में आपको वहां भी पढ़ना, जैसे एनाटॉमी में आप पढ़ेंगे उस तरह से नहीं पढ़ना, बट आपको वहां का नॉलेज वहां लगेगा। और हाँ, बोन से याद आया ना, आप लोगों को बोन सेट भी लेना पड़ेगा, अगले वीडियो में ट्राई करेंगे बोन सेट ला के दिखाने का। और क्या होते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं कि डाइसेक्शन ना कैडेवर का डाइसेक्शन किया जाता है तो उसके लिए बहुत बच्चे मैनुअल खरीदते हैं। यार अगर आपका कॉलेज इनफ है, मैं एक बात बता दूं, कॉलेज इनफ है, लाइफ देखते हो आप, प्रैक्टिकल आके फ्री टाइम में आके आप खुद कर सकते हो, ठीक है, आराम से चार पांच दोस्त को लाके सीख सकते हो, तो आप बेमतलब में डाइसेक्शन मैनुअल खरीदने की दरकार नहीं है। और एटलास की बात आती है यार, BDC काफी है, और एटलास आप मोबाइल में PDF में देख लो,
बे मतलब एटलास क्यों खरीदना, क्योंकि आपके पास तो बोन सेट है अगर इफ यू आर परचेजिंग, एंड आई एम रिकमेंडिंग अगर आप अकेले बोन सेट नहीं खरीद सकते दो जो दोस्त मिलके खरीद लो ना, दोस्त मिलके बायलैटरल बोन बायलैटरल दो दोस्त खरीद लो, बायलैटरल मत लीजिए, हाँ बायलैटरल ले लो पढ़ लोगे एक साथ, ठीक है। अब कोई अगर अकेला बच्चा है बोन सेट ले सकते हैं आराम से, और बोन सेट एक बात बता दो यार सीनियर के तौर पर बता रहा हूँ, बोन सेट ठीक है, बोन सेट चाहिए एनाटॉमी के लिए तो, और आप जितने में खरीदोगे ना उतने से ज्यादा में आप अपने जूनियर को बेच दोगे, ये चलता है इधर, ठीक है कॉलेजेस में कि जूनियर आएगा उसको खरीदना पड़ेगा, ये आपका सेम प्राइस उठ जाएगा, तो आपने आपको लगेगा कि आपका जीरो मनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है आपको बाद में पता चल जाएगा। तो आप बोन सेट जरूर लेना, और बाद में हम अगले वीडियोस में बोन सेट और लाइब्रेरी का यूज भी दिखाएंगे कि यार लाइब्रेरी से आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। और हमारा तो ये हो गया फिजियोलॉजी का सारा, बुक्स दो बता दिया, ज्ञानों को रिव्यू के लिए तौर पे लेना और एक मेन बुक ले लेना काम हो जाएगा, या फिर कोई भी आप ले सकते हैं, या फिर आप क्लास के नोट और गाइडन पढ़ सकते हो, ठीक है क्लास के नोट और गाइडन, लेकिन क्लास उसके लिए अटेंड करनी पड़ेगी ना, ठीक है। पहले हम दो महीने हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट बेंच का चुलना हमारे क्लास की, अब नहीं बोलूंगा फिर वो लोग वीडियोस देखेगी, ठीक है लड़के लड़कियों का ना फर्स्ट बेंच का मतलब होता है, मतलब फर्स्ट बेंच ही पकड़ना है, समझना है टीचर से, समझना है टीचर को फॉलो करना, जब ना जब धीरे धीरे वो सेकेंड ईयर में कन्वर्ट होता है ना फर्स्ट बेंच खाली जाता है, ठीक है सेकेंड ईयर भी इतना भी इंतजार करेंगे, जैसे आपको पहला सेमेस्टर खत्म होगा ना उसके बाद से आपको रियलाइज होगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे, क्या मतलब कहाँ पर है, कहाँ पे है, उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा नहीं टीचर से दूर रहना सही है, दूर बैठूंगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट बेंच की तरफ एफिनिटी शिफ्ट होगी, क्योंकि लास्ट भी नहीं तो हम लोग जैसे बैठते हैं थर्ड फोर्थ बेंच पे बैठ जाते हैं, कभी फर्स्ट पे भी जाके बैठे सेकंड ईयर में यार, जब जानते कि टीचर अच्छा पढ़ाएगा, जब हमारा पढ़ने का मन है, ठीक है। फिर आप अगर डर के लड़का नहीं बैठे कहीं वाइवा में सर ने पूछा मैं नहीं बता पाया, सर ने मार्कअप कर लिया क्लास में, इस कारण से डर से कितने लोग ये वाइवा जो मेडिकल में इतना तो सुन लीजिए कि आपको वाइवा पूरे ईयर देना पड़ता है, बीच बीच में वाइवा का लेके आइटम्स रहेंगे, सेमेस्टर में वाइवा होगा आपका, फिर अगर फाइनल में एक्सटर्नल आएगा बाहर से सर आके वो वाइवा लेते हैं, तो वाइवा मतलब आपको थ्योरी से ज्यादा ही मैं बोलूंगा वाइवा से मतलब, अरे हाँ ठीक है थ्योरी हम ज्यादा इलाबोरेट नहीं करते हैं, 20 मिनट के अंदर रैप अप करते हैं। अब बारी आती है बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री के लिए आप मेरे दोस्त सुमित एकदम जल्दी से बता देंगे मेन बुक क्या है। बायोकेमिस्ट्री के लिए मेन बुक में देखिए दो ही है जो सब जगह मैं देखा चलता है, एक वासुदेवन का और एक सत्यनारायण का। मैं खुद सत्यनारायण का बुक को फॉलो करता था, और सत्यनारायण का बुक की खासियत क्या कि उस बुक में भी सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से दिखाए गए हैं, सारे रिएक्शन को पाथवे रिएक्शन को सही तरीके से बताया गया, उससे रिलेटेड जो डिजीज होते हैं हमारे बॉडी में उसको भी अच्छे से बताया गया, ड्रॉइंग्स और चार्ट सारे काफ़ी अच्छे से दिखाए गए हैं। तो आप सत्यनारायण या वासुदेवन को भी आप पढ़ सकते हैं, तो आप किसी भी बुक को अच्छा से आप पढ़ सकते हैं, मतलब ये दो बुक में से आप किसी भी एक बुक को आप लेके पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगर आपसे रेफरेंस बुक की, आप हार्पर को तो मार्क कर लीजिए, और आप चाहें तो आप अगर मैं बता रहा हूँ अगर आप टेक्स्ट वाला मेन नहीं ले रहे हो तो आप एक सिर्फ चाहे तो लिपिनकॉट ले सकते हो, ठीक है। बट हार्पर ना हार्पर के जैसा कोई कंपेरिजन में कोई है नहीं, बट क्या होता है हार्पर ना डाइजेस्ट करने मुश्किल होती है, ठीक है। एक बात बताता हूँ, आई परचेज ओनली हार्पर, ठीक है मैंने सिर्फ हार्पर खरीदा और ऑब्वियसली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उससे पढ़े थे, और क्या किया लाइब्रेरी से मैंने डीएम वासुदेवन जो वासुदेवन है उसको उठा ली थी, क्योंकि लाइब्रेरी हर जगह अलग अलग होती है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी से 15 दिन के लिए किताब रख सकते हैं घर पे और एक बार में 2 किताबें ले सकते हैं, तो यार हमने 2 किताब ले सकते हैं, तो जब हम अगर मान लो कोई बच्चा एफर्ट नहीं कर पा रहा है किताब एमबीबीएस में, तो यार वो 2 किताब लाइब्रेरी से ले सकता है और 2 किताब डेली पढ़ सकता है लाइब्रेरी से बैठ के, मतलब लाइब्रेरी के अंदर बैठ के रीडिंग रूम में, तो यार वो कर सकते हो ना। इफ़ यू आर थिंकिंग ये देखिए यार अगर मैं आपसे बात करूँ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की किताबें खरीदने में टोटल एक बार में कितना पैसा लगेगा, कि एक बार में टोटल इतना ही लगेगा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 4000 तो पकड़ के रखिए, 4000 से 5000 मेरे 5000 लगे थे ऑलमोस्ट, मेरे को याद है 5000 तक लगते हैं, ठीक है ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का बुक्स का राउंड रैप अप, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें यार, और टेलीग्राम का लिंक से आप भी ज्वाइन कर लें, और सुनो यार अगर तुम एमबीबीएस स्टूडेंट हो ना तो एक बार मेरे को हम लोग को मैसेज कर देना कि, या हमें अगर मैसेज, क्योंकि देखो यार 99+ कमेंट नीट एस्पिरेंट के रहते हैं मैसेजेस, ठीक है तो आप एक बार मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में हमारा कोई भी प्रोफाइल या एक फोटो पे कि भैया आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, उसके बाद मैं आप तक एकदम पहुंच जाऊंगा, ये आप अश्योर रखना यार पहुंच जाएंगे एकदम। आप चाहे मेडिकल मैन 97 पे इंस्टाग्राम पे कर दीजिए, या फिर
मिस्टर मेडिको, ठीक है ओके। तो यार हम लोग सब मिल के ना नीट एस्पिरेंट्स की हेल्प करना चाहेंगे, तो यार इस नोबल मिशन में आप भी जुड़िए एरोडेशन प्लस से। थैंक यू सो मच यार, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू।